चोट लग गई। वो तेरी बहुत लगी। ओ यार खून बह गया है। डॉक्टर ये टिटनेस का लगवाना पड़ेगा भाई। थोड़ा अभी बन गया, सुई लगाती हूँ। टिटनेस का लगवा के ना बोला ये चुन। ये भाइयों ये जो है सलाह, देखिए भाइयों ये जो है ये हमारी बात ना मानने का, सलाह ना मानने का ये नतीजा आया है। आज देखिए जो है स्कूटी चलाने गई थी, ठीक है, ये हो गया, चोट। चोट हो गई। अब चलो टिटनेस लगवाने चलो। भीव बेटे वो दो जल्दी क्रीम दो निकाल के इसमें से, अंदर से। हाँ तो पहले हम डिटॉल बोरोप्लस के निकालो, पानी से धुल लेते हैं। लाओ डिटॉल, पहले डिटॉल के पानी से वॉश कर लेते हैं। डिटॉल नहीं मैं वो लेके आता हूँ, रुको रुई देता हूँ ना, कॉटन से पहले साफ करो। सो वेलकम बैक गाइस। तो आपने देख लिया है कि मेरे साथ क्या हो गया है। हाँ मैं अचानक से गिर गई, मुझे समझ में नहीं आया ये कैसे हो गया, क्या हो गया, कुछ भी पता नहीं चला। और मैं यहाँ पे अपने पैर को वॉश कर रही हूँ डिटॉल वाटर से। कहा था कि आप फुल बाजू का एक लोअर पहन लीजिए, ठीक है, जो कि पूरे आपके पैर कवर हो जाए, ठीक है। नहीं सुनना, आपने ये नहीं रीजन नहीं दिया था, क्यों? रीजन नहीं दिया था, ये सब जो है अंडरस्टूड होता है, नहीं मैं इतनी अंडरस्टूड नहीं ठीक है। हूं। और ये तुरंत हमको छोड़ के भाग गई कि हम, इनको लगा हम बेवकूफी वो कर रहे हैं पूरी। अब ये लगाओ, पियो ये लो इसको लगा के, और तब मैं लगाओ, लगा लूंगी, पानी लेकिन ये लगाओ वरना छूट जाएगी ना। से गीला है। पियो इसमें लगा लेती हूँ, लो हटाओ हम लगाएंगे। मैं लगा लूंगी, तुमसे तो रहने लग दो। गया, दूसरा इनको कहा था कि यहाँ पे गाड़ी नहीं चलानी होती, जो कंकड़ पत्थर है। इन्होंने वो करते ही से ही स्लिप हो गया। वही जिन्होंने जिद करी थी कि तुमने मुझे यहाँ पे चलाने नहीं दी। तो फिर मैंने जी इन्हें नहीं, आपने जबरदस्ती कहा लो ले जाओ इसको यहां से, पहले मैंने कहा इनको कि पहले मैंने अपने साथ में दो चार चक्कर लगवाए इनको तो सेफली, तब तुम चला ठीक लिए है, ना तब तो चला लिए, ठीक है। फिर इन्होंने कहा, फिर हमने कहा चलो इनको दिखा देते हैं कि कंक्रीट पे हल्की सी इट इट कैन स्लिप, और इन्होंने तो पूरी स्लिप करा दी। और वहां पे इन्होंने रेस जो है सबसे ज्यादा दी, ठीक है, जहाँ ये। कंक्रीट थी। वो मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं जब ब्रेक कर रही रेस, हूँ, वो ब्रेक हो ही नहीं रहा था। हाँ, तो जब ये ब्रेक कर रही होती हैं तो इनका हाँ एक्सीलेटर एक्सीलेटर वो पूरा ऑन हो जाता है। का डॉक्टर किट है ये, पीयू अपना डॉक्टर किट से उनका इलाज कर। तो हमने इनको स्कूटी चलाई देखी है, चलाएंगी। पहले हम इन्हें सेफ्टी टिप्स समझा रहे थे कि देखो सेफ्टी टिप्स ये होते हैं और ये होते हैं। तो इन्हें लगा कि नहीं नहीं सेफ्टी टिप्स सीखने से क्या फायदा है, सबसे पहले सेफ्टी हम टिप्स कौन सा सिखा रहे थे तभी आपको? हमसे बहुत तेज गुस्सा हो गए कि आप हमें ये सब टाइम बर्बाद कर रहे हो। आप जो है सबसे पहले हमको स्कूटी चलाना सिखाओ, जब स्कूटी चलाना आ जाएगा सेफ्टी टिप बाद में सीखते रहेंगे, ठीक है। तो फिर हमने फिर भी इनको थोड़ा बहुत जनरल बताया, लेकिन इन्होंने वो मैं पूरा, उधर चला ली फिर ये पूरा पूरा अच्छे सीखने को से। तो राजी नहीं थी, इन्हें बहुत जल्दी थी कि स्कूटी चलाना ही सीख जाए। तो अब हमने जैसे जैसे करके इन्हें चार पांच चक्कर लगवा दिए, फिर हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस कि अब कॉन्फिडेंस आया कि अब तो थोड़ा चला ही लेंगे। फिर इन्हें कहा कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके यहाँ से, और मतलब 20-30 मीटर की डिस्टेंस होगी, 30 मीटर डिस्टेंस तक आप लेकर के चले जाओ। तो अब ये वहां तक जो है स्कूटी इन्होंने बीच में 5 मीटर के बाद ही इनसे अच्छा हुआ मैंने स्कूटी छोड़ दिया। स्कूटी ये धराशायी होके गिर पड़ी। मैंने छोड़ दिया, गई स्कूटी घुस गई, गिर हाँ, तो नई स्कूटी जो है और उसके ऊपर बुलबुल जो है अपने, हाँ, कोई भी सेफ्टी गियर वाले कोई कपड़े नहीं पहने थे, बूट्स पहन के और जीन्स पहन के या कुछ ऐसे पहने रहते तो कोई चोट नहीं लगती। लेकिन ये तो भाई ये है, हाथों में भी लगी है पैरों। देखिए धराशायी होने के बाद लेटी हुई है और पीहू इलाज कर रही है उनका। मैं मंजू हल्दी दूध बना के ला रहा हूँ और अब पी लेना। एक स्पून बस। हल्दी दूध नहीं पीती हूँ मैं, ये सब मैं, मुझे नहीं पसंद है ऐसे लगता ऐसा कह दो, वो सिखा रही है। अबे तुम डॉक्टर हो कि तुम ऐसे ऐसे सिखा रही हो मरीज को? मरीज डेली मरीज कह रहे हैं डॉक्टर। पेशेंट, मैं पेशेंट पेशेंट बन गई। हाँ, बस 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 इतना इंजेक्शन मत लगाओ मुझे। इंजेक्शन नहीं है, हो गया, बस क्या हो गया, थैंक यू। देखो सुई से होगा।
हम इनको जो समझाते हैं ये कभी समझती नहीं है, ये जो है ये सोचती हैं कि अपने तरीके से सब काम कर लेंगी, लेकिन हम इन्हें सेफ्टी फीचर्स बता रहे थे गाड़ी के जो उन्होंने बिल्कुल नहीं सीखे, है नहीं ना, नहीं सीखे ना, चोट लगवा लिया और लग गई है चोट। अब इस चोट का कुछ नहीं कर सके। हाँ तो अब उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। अब देखिए अब धराशायी होके लेटी हुई है। पर हम गिरे कैसे थे? हाँ अभी ने ये लग रहा है कि गिरे कैसे थे वो, मुझे तो पता ही नहीं चल वो रहा तो है। अगर हम वीडियो बना रहे होते तो तब ये हमारे ऊपर बोल देते हैं कि आप तो वीडियो बना रहे थे। मुझे अकेले स्कूटी में बैठा दिए, जाओ चली जाओ। पहले देखो 4-5 चक्कर लगाए, फिर उन्होंने कहा अब ठीक है अब हम चलाएंगे खुद। आपने कहा था कहा, मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी मैं कि अकेले में कहूंगी। आपने कहा जाओ चला जाओ। अरे तुम्हें स्कूटी तो आती है जरा सा, उसमें क्या है, हमने थोड़ा ना साइकिल के बाद में स्कूटी सीखने में थोड़ा ना हमको टाइम लगा था, 2 सेकंड में मैं आ गई थी। हाँ तो आज पहली बार ही चलवाए, 10 साल बाद मैं चला रही हूँ। जब मुझे किसी ने फतेहपुर थोड़ा में ना सिखाई थी, थी स्कूटी। फतेहपुर में जब थी तब चलाया था, कृष्णा ने चलवाया था मुझे, वो भी 2-3 साल पहले की बात है। तो अभी मैं पूरी तरह से एक्सपर्ट थोड़े ना थी। बस थैंक यू पियू। ये हल्दी है और ये नेचुरल स्टेरॉइड का काम करता है। अब ये बुलबुल को दी जा रही है, मुंह खोलिए। देखा ये कोई बात नहीं मानती हमारी। नहीं मानती ना, नहीं मानती। इतनी हल्दी नहीं खा रहे हम। ये देखो ऐसा कौन करता है, ऐसा कौन करता है। गिर जाएगा। अब तो तकिया तकिए के ऊपर गिरा तो ऐसे भी लोग हैं। सो वेलकम बैक गाइस, गुड मॉर्निंग। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, मैं यहाँ पे वर्मा जी का लंच बना रही हूँ, टिफ़िन। और यहाँ पे क्या बना रही हूँ मैं, हरे प्याज जो होता है ना, हरा प्याज की सब्ज़ी आलू डाल करके तो कट कर लिया है। और पहले जो इसका प्याज था वो मैंने भून लिया, उसके बाद अब मैं यहाँ पे हरा प्याज डाल दूँगी। बस सूखे मसाले, नमक, मिर्च और हल्दी डाल करके बस इसमें आलू डाल दूँगी और ढक के पका लूँगी। तो आज का टिफ़िन में लंच यही होने वाला है, मतलब लंच हमारा यही होने वाला है, आलू प्याज की सब्ज़ी, साथ में रहेगी चपाती। तो वो तो वही वाली चपाती बनाती हूँ मैं, रागी बाजरा जौ सब मिक्स करके। और अभी भी थोड़ा बहुत दर्द है मेरे पैरों में तो, बट तो करना तो है ही है, टिफ़िन देना ही था। सो आ गई हूँ मैं यहाँ पे लंच की तैयारी करने के लिए। अभी वर्मा जी जिम में ही हैं, वो आए नहीं हैं, पीहू सो रही है। और चलिए लंच का बना लेती हूँ, उसके बाद आपको सीधे मैं शाम को अब मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। मैं अब ठीक हूँ, पहले से ठीक हूँ। कल आपने देखा था मुझे चोट लग गई थी। तो एक्चुअली हुआ क्या मैं आपको बताती हूँ, मैंने चला लिया था, मतलब जो हमारे रोड है ना वहाँ पे मैंने आराम से चला लिया, बैलेंस भी बना लिया, वर्मा जी पीछे बैठे हुए थे, आराम से मैं चला रही थी। उसके बाद वर्मा जी ने मुझे बोला कि तुम अब यहाँ मेरा जहाँ पे पार्क करते हैं वहाँ तक अपने से लेके जाओ। तो मैंने कहा ठीक है मैं लेके जाती हूँ। प्रॉब्लम क्या हुई कि वहाँ पे ना कंक्रीट नहीं होती है, रोड़ी जिसे बोलते हैं, छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं, वो मेरे घर के बाहर जो है वो वाली सड़क थी। तो वो गाड़ी डिसबैलेंस हो गई, स्लिप हो गई या क्या हुआ मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कैसे गिर गई, क्या हुआ मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला और गिर गई। लेकिन ये है कि मतलब स्कूटी का भी मुझे लग रहा था कहीं स्कूटी में स्क्रैच ना आ जाए या ये क्या भी, मतलब उस समय माइंड इतना ज़्यादा काम नहीं करता ना जब आपको चोट लग रही होती है या क्या हो रहा है मुझे पता नहीं चला। और चोट लग गई है लेकिन ठीक है। रात में मैं सोच रही थी मैं कैसे सोऊंगी, बट मैंने उस पर कॉटन लगा लिया था और दवाई ववाई लगा कर। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको क्या हाल है, पहले से तो बेहतर है, बहुत बेहतर है। और हल्दी वाला दूध वर्मा जी ने दे ही दिया था और सीखना तो है ही है, लेकिन अब ऐसा हो जाएगा मैंने सोचा नहीं था, मतलब मैंने सोचा ही नहीं था, मैं साइकिल से कभी नहीं इस तरह से गिरी कि सीखते हुए मैं साइकिल से गिर गई हूँ। और मुझे यही लग रहा है कि वो रोड़ी जो आ गई ना, रोड़ी क्या बोलते हैं उसे,
कंक्रीट वाली जो सड़क होती है ना छोटे छोटे वाली, उसकी वजह से ही डिसबैलेंस हो गया और बाइक स्कूटी गिर गई। और मैं अभी तैयार हुई हूँ पीहू को पार्क ले जाने के लिए। 7 बज रहे हैं सुबह से, मैं सोच रही हूँ व्लॉग करूँगी बट मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। पेन भी था हल्का सा पैर में, बट कोई बात नहीं। सुबह ब्रेक वो बनाया था मैंने टिफ़िन जो आपको दिखाया था, लंच आज आलू प्याज हरा प्याज जो होता है उसकी सब्जी वर्मा जी को बना के दी थी, वही वो लेके गए थे। और अभी तो ऑफिस में ही है, पीहू अभी टीवी देख रही है, मैं उसको लेके जाती हूँ गार्डन में। पहले मंदिर जाऊँगी फिर गार्डन जाऊँगी, थोड़ी देर उसको घुमा करके लेके आती हूँ। और तब तक फिर वर्मा जी आ ही जाएंगे, 8 o'clock तक आ जाते हैं वो, तो अभी मेरे पास 1 घंटा है। चलिए चलते हैं और इस व्लॉग का एंड कर दूंगी और मिलूंगी आपको एक अच्छे से बेहतरीन से व्लॉग के साथ कल। कोशिश करूंगी फिर से चलाऊं और रिकॉर्ड करके दिखाऊं कि मैं चला लेती हूँ यार। कल पता नहीं क्यों वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, जब मैं चला रही थी ना तो वर्मा जी तो पीछे बैठे हुए थे, पीहू पैदल पैदल चल रही थी, तो इसलिए वो सब रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। और लेकिन हाँ, मैंने सोचा जब मैं स्कूटी अकेले लेके जा रही थी, अगर वर्मा जी मेरा रिकॉर्ड कर रहे होते ना तो पूरा वो रिकॉर्ड हो जाता कि मैं किस तरह से गिरी और मतलब क्या हुआ, वो तो मैं नहीं शेयर कर पाई। अच्छा मैं दिखाती हूँ आपको अभी क्या हाल है मेरे पैर का। तो ये वाला जो है ये ज़्यादा तेज़ से लग गया है, अभी मैंने चेंज कर लिए हैं कपड़े, मैं जा रही हूँ ना इधर, ये इसके अंदर है दूसरे पैर वाला, तो यही है, ठीक हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, लगती रहती है छोटी मोटी चोटें। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपको अपने कल एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, घर पर रहिए, खुश रहिए, बाय, गुड नाइट।